ओके तो दोस्तों, अगर आपने खुद एक ब्लॉगर हो या फ्रीलांस में कंटेंट राइटिंग करते हो किसी के लिए ना, तो मैं कुछ टूल आपको देने वाला हूँ, राइट। उनमें से 6 जो है क्रोम एक्सटेंशन होने वाला है, 2 वेबसाइट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और एक बोनस टिप्स मैं आगे आपको दूंगा, बोनस टूल्स भी आप कह सकते हो। शायद उस बोनस टिप्स की वजह से आपकी हजारों रुपये जो है बच जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, मैं जो कंटेंट राइटिंग करता हूँ ना, मेरा ही स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। इवन मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। चलिए, उसके लिए ना सबसे पहले आपके पास 2 फ्रेश क्रोम होना चाहिए। अभी तक आप जिसको यूज़ कर रहे थे उसको साइड में रखो। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 क्रोम प्रोफाइल बनाएंगे, एकदम एंड में आएंगे, एंड यहाँ पे बहुत सारे मेरा क्रोम प्रोफाइल्स बना हुआ है, बट मैं 2 नया क्रोम प्रोफाइल्स बनाऊंगा। एक क्रोम प्रोफाइल, अच्छा, इसमें साइन इन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट विदाउट साइन इन आप चलिए। एक क्रोम प्रोफाइल्स का यहाँ पे नाम दीजिए एडिटर, राइट, जिसमें आप एडिट करोगे। ओके, इसको डन कर दीजिए। ये मेरा एक नया क्रोम प्रोफाइल बन गया है। और एक माह हमने यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे हमने अगेन नीचे जाएंगे, ऐड न्यू क्रोम प्रोफाइल, क्योंकि जो एक्सटेंशन को हम यूज़ करेंगे ना, ये दोनों मतलब ब्राउज़र पे अलग अलग ब्राउज़र पे यूज़ करेंगे। आप चाहे क्रोम प्रोफाइल पे यूज़ करो, चाहे आप दोनों अलग अलग ब्राउज़र पे यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। मतलब वो क्रोम ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि आप ड्रेव वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, हम कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट के अंदर फिर से क्लिक करेंगे और इसका नाम देंगे भाई, जैसे टूल्स या कुछ ऐसे आप डाल दो, कोई इशू नहीं। आप अपने हिसाब से नाम रखो, ऐसा नहीं कि आपको यही नाम डालना होगा। तो हमारे पास 2 प्रोफाइल आ गया है, हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया। पहला प्रोफाइल जो है हमारा है टूल्स का है, और दूसरा प्रोफाइल जो हमारा आया है उसका नाम है भाई एडिटर। तो हम पहले एडिटर के अंदर जो है क्रोम की जो एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो पहला क्रोम एक्सटेंशन जो है वो एड ब्लॉकर, ये दोनों में लगना चाहिए, दोनों ब्राउज़र में आपको एड ब्लॉकर लगा देना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे एड ब्लॉकर क्रोम एक्सटेंशन टाइप करके एंटर बटन हिट करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एड ब्लॉकर मिल जाएगा, उन्हीं में से आप किसी को जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि सभी सेम सिमिलर तरीके से काम करता है। आप इसको ऐड टू क्रोम कर दीजिए एंड ऐड एक्सटेंशन कर दीजिए। इवन हमने सेम एड ब्लॉकर को हम हमारे दूसरे जो टैब हमने बनाए थे या दूसरे जो ब्राउज़र बनाए थे उसमें भी हम ऐड कर लेते हैं। एक जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो दोनों में लग रहा है, ठीक है, जो कि ऐड ब्लॉकर। ओके, हम इसको भी ऐड कर दिया है। वापस चलते हैं हमारे पहले वाले पे और यहाँ पे देखते हैं कि ऐड ब्लॉकर ऐड हुआ है या नहीं। अभी तक ये ऐड हो रहा है, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा स्लो हो चुका है, दैट्स इट, ये लग चुका है। अब हमको क्या करना है, ये ऐड ब्लॉकर यहाँ पे बता रहा है प्राइसिंग वैसिंग आप ले लो भाई, इसको आप छोड़ दो, अभी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जाओ, इसको पिन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा वही है एडिटर में, अब ऐड ब्लॉकर लग चुका है। अब हम यहाँ पे लैंड कर ही चुके हैं क्रोम वेब सर्च के अंदर, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, यहीं से हम दूसरा जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओहो, एड ब्लॉकर नाउ इंस्टॉलेशन ये बता रहा है। चलो, ये दूसरे ब्राउज़र पे भी हो चुका है, ठीक है, इसको भी हम पिन कर लेते हैं। दोनों ब्राउज़र को हम साथ में लेके काम कर रहे हैं, तो दोनों ब्राउज़र पे ये चीज़ें हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हो कि मैं जो है क्रोम वेब स्टोर के अंदर ही हूँ, तो मैं आगे की एक्सटेंशन को यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। हम दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, हम एक्सटेंशन सेक्शन के अंदर क्लिक किया है और यहाँ पे हम लिख दिए यहाँ पे स्पीच टू टेक्स्ट, राइट, SPECH टू टेक्स्ट, हम इसको एंटर बटन हिट किया है। अब यहाँ पे मेरे को लेना है ये वाला स्पेक, ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। एवरी सारे के सारे प्रोमोशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पीक आ चुका है, यही वाला मेरे को चाहिए, इसको ऐड टू प्रोम कीजिए। इसका ना पोटेंशियल मैं आपको दिखाऊंगा भाई, जुड़े रहेगा वीडियो के साथ। इसको हम ऐड एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो अगेन हमारा ये एक्सटेंशन ऐड होगा। फाइनली ये भी ऐड हो चुका है, और जैसे ऐड हो चुका है ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आप इसको अलाउ देना होगा, मैं आगे दूंगा, अभी इसको हम रहने देते हैं। जस्ट हम इसको क्लिक करके पिन कर लिया, ठीक है, सारे के सारे एक्सटेंशन को आप पिन यहाँ पे पिन कर लीजिए। अब हमारा जो तीसरा एक्सटेंशन होने वाला है उसका नाम है भाई अगेन, हम एक्सटेंशन फील्ड के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, राइट। तो उसके बाद हम एंटर बटन हिट करेंगे, दैट्स इट, यहाँ पे आ चुका है। मेरे को लेना है ये वाला फाइंड एंड रिप्लेस फॉर टेक्स्ट एंट्री, ओके, इसको लेना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड एक्सटेंशन, ये भी डाउनलोड हो चुका है। जो भी इसका सेटअप है उसको आप आगे कीजिएगा, अभी इसको आप रहने देते, जस्ट इसको हम पिन कर लेंगे, ओके। अब हम फिर से जाएंगे एक्सटेंशन एरिया में, अब यहाँ पे क्रोम नोट्स, राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्रोम नोट्स, एंटर बटन हिट करेंगे। सो जो पहला वाला आ रहा है यही हमारा काफ़ी है, जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे एंड इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, राइट, ऐड एक्सटेंशन। सारे के सारे एक्सटेंशन की क्या क्या काम है मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंटायर देखना। ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको भी हम कर देंगे अभी पिन,
तो चार यहाँ पे मेरा आ चुका है। ओके, अब चलते हैं कि हमारे दूसरे जो ब्राउज़र हमने बनाए थे जो टूल्स नाम थी, वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक एड ब्लॉगर यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हम एक्सटेंशन के अंदर आएंगे और एक्सटेंशन ऐड करेंगे कीवर्ड सर्फर। अब देखो हमने यहाँ पे एसईओ के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, फिर भी हमको कीवर्ड सर्वर की आवश्यकता होगा जब हम यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। जैसे हम कीवर्ड लिखा तो कीवर्ड सर्वर सेशन में आया था, मैं वहाँ पे क्लिक किया, तो ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना होगा, ऐड टू प्रो ऑन करते हैं इसको, ऐड एक्सटेंशन। और हाँ, मैं इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, इसको भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने क्रोम में इसको लगा सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और इसको भी हम कर देंगे पिन, राइट, इसको भी हम कर देते हैं पिन। ओके, अब हम फिर से जाएंगे एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ पर टाइप करेंगे कॉपी लिंक टेक्स्ट। ओके, कॉपी लिंक टेक्स्ट हमने टाइप किया है, सो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कॉपी लिंक टेक्स्ट, किसी के भी अवेलेबल आप एक ले सकते हो, मैं इसी को ले लेता हूँ पहले वाले कोई, और इसको हमने ऐड टू प्रो कर दिया है, ऐड एक्सटेंशन। तो ये हमने कहाँ ऐड किया है, ये हमने टूल्स वाले पे, मतलब जो जिसमें हम राइट करेंगे वो वाला नहीं है, हम राइट मतलब जिसको हम हेल्प लेंगे बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर हमने लगाया, उसके अंदर लगाया क्यूआर सर्वर और कॉपी लिंक टेक्स्ट, ठीक है, ये दोनों को दोनों हमने लगाया। अब हमारा जो दो साइट है ऐसे इसको हमको लिंक कर देना है, यार हमने लिंक भी कर दिया, अभी हमने मैंने आपको बताया था कि दो वेबसाइट है जिसको बुकमार्क करके रखेंगे हम, क्योंकि इसका भी काम है, राइट। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है वो है ऐप देव टूल्स आपने टाइप किया एंड यहाँ पे ये वाला वेबसाइट आपको दिख रही है ऐप देव टूल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है जस्ट एकदम सिंपली केस कॉन्वर्टर के अंदर, ठीक है, इसको आपको ऐसे क्लिक करके रख देना है। आप चाहे तो इसको यहीं पे पिन कर लो ब्राउज़र के अंदर, ये पिन रहेगा, अदरवाइज आप इसको बुकमार्क कर लो, मेरे ख्याल से बुकमार्क कर लोगे ना तो वही अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा चीज़ें। तो हमने शॉर्टकट भी बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया केस कॉन्वर्टर, राइट, ओके, शॉर्टकट बना लो, ये सबसे आसान होगा चीज़ें। एंड इस लिंक को हमने डन कर दिया, ओके, यहाँ पे आ गया, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये चीज़ ओपन हो जाएगा, तो पिन हमने किए थे उसको अनपिन करके उसको हटा देंगे, कोई इशू नहीं है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा एक वेबसाइट चाहिए काउंटिंग कैरेक्टर्स, ओके, जस्ट हमने यहाँ पे काउंटिंग कैरेक्टर्स लिखा तो काउंटिंग कैरेक्टर्स मेरे सामने आ गया है एंड यहाँ पे हमने इसको क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे हेडर में से देखेंगे पहला जो ऑप्शन है एसईओ टूल्स, उसके अंदर हम जाएंगे मेटा टैग्स लेंथ चेकर, ये है गूगल एससीआरपी का जो है काउंटिंग आपको देता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ध्यान से इसको ना इसको डेफिनेटली आप इसको ऐड कर लेना शॉर्टकट में। इसका भी हम आपको वर्क दिखाएंगे कि क्या क्या वर्क है इसका, ऐड शॉर्टकट में गया और यहाँ पे जस्ट हम मेटा टैग लिख देते हैं, ठीक है, मेटा टैग लिखा और यूआरएल को हमने पेस्ट कर दिया, यूआरएल को कॉपी कर लिए थे, डाउन कर दिया, तो ये दोनों शॉर्टकट मेरा आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं, राइट, जस्ट एकदम लैंड कर जाएगा इसी सेक्शन के अंदर, ओके। तो हमारा सारे के सारे सेटअप रेडी है, अब प्रोसेस है कि कैसे मैं कॉन्टेंट राइट करता हूँ। देखो भाई, मैं पहले चलता हूँ एडिटर के अंदर और एडिटर में जो भी चीज़ है उसको हम क्लोज करते हैं, राइट, एडिटर में जो भी चीज़ है उसको हम क्लोज करते हैं, क्लोज अदर टैब्स करते हैं, ओके, दैट्स इट। एंड क्लोज हो जाने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसके अंदर वर्डप्रेस के थ्रू कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है, मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखता हूँ। तो अगर मैं क्लाइंट के लिए भी लिखता हूँ तो भी मैं इस एक डेमो वर्डप्रेस के अंदर उसको लिख देता हूँ, या फिर मैं खुद के लिए लिखता हूँ तो उस केस में भी जो है मैं हमारे साइट के अंदर डायरेक्टली यहीं से लिख लेते हैं। तो हम एक डेमो साइट के अंदर लैंड करते हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे इसके अंदर कंटेंट राइट करता हूँ। सो मान के चलिए कि मैं यहाँ से एक पोस्ट लिखूंगा, राइट, तो मैं पोस्ट एरिया में जाऊंगा और यहाँ पे हमने न्यू पोस्ट ओपन किया, अभी तक इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, तो जस्ट हमने यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के अंदर गया। अब हमारा काम है कि हम कंटेंट राइट करेंगे, राइट, हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड आ चुका है, उस कीवर्ड के बेसिस पे हम यहाँ पे कंटेंट राइट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि फोन पे से पैसे कैसे कमाएं, राइट, या फोन पे से पैसे कैसे कमाएं, ओके। कभी कभार जब हम कंटेंट मतलब देखते हैं ना कि ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको थोड़ा लेफ्ट में लाता हूँ, मेरा अभी जो टूल है इसको काम में लूँगा, देखिए कैसे मैं ऐसे करता हूँ कि थोड़ा सा ये भी दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे फोन पे से पैसे कैसे कमाएं, राइट, देखो ये ऑटो सजेस्ट को मैं काम में लेता हूँ, कीवर्ड रिसर्च के ये पार्ट है, फिर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा हेल्प हो जाए। और यहाँ पे हमने इस कीवर्ड के ले रहे हैं कि इसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है। अब हमने जो केस कॉन्वर्टर बनाए थे
इसका जो शॉर्टकट बनाया था इसलिए ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा, टाइटल केस यहाँ पे हिट करूँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं मेरे वर्डप्रेस में जाके टाइटल एरिया में कहीं पर भी हम पेस्ट करेंगे। इसको देखिए, ये सारे के सारे फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल में आ गया है, ओके, सारे कैपिटलाइज हो चुका है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस सेक्शंस को, ऐप टेप टूल्स को, या फिर इससे अगर आप URL मतलब URL की टाइप ऑफ जेनरेट करना चाहते हो तो जस्ट फॉर्म के इसके अंदर क्लिक करो, देखो URL टाइप जेनरेट हो चुका है। अपर के इसके अंदर क्लिक करो, यहाँ पे ऐसे आ चुका है। कैमल के इसके अंदर क्लिक करो, ऐसे आ चुका है। कैपिटल के इसके अंदर क्लिक करो, कुछ ऐसे आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर मैं देख रहा था कहीं पे सेंटेंस वाला चीज़ है, सेंटेंस के इसके अंदर क्लिक करो तो कुछ ऐसे हो चुका है। ठीक है, जैसे आपकी मतलब जो वर्ड है उसकी केस को कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक कर हिट कर दोगे ना तो ये सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहीं से जब हम टाइटल बनाते हैं ना तो थोड़ा SEO जो राइटर होता है ना उसको SEO प्रोस्पेक्टस भी ध्यान में रखना होता है कि भाई SEO सही हो रहा है या नहीं। अगर हम इसको सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करके पोस्ट लिख रहे हैं ना तो हमारा यहाँ पे एक कट लगेगा और यहाँ पे हमारा हिंदी कीवर्ड भी आ जाएगा कि फोन पे से पैसे कैसे कमाए, राइट। अब हमने जो दूसरा एक हमने यहाँ लिए थे, राइट, दूसरा एक हमने शॉर्टकट बनाए थे काउंटिंग कैरेक्टर्स का, तो उसमें हमने SCRP प्रीव्यू टूल को हिट किए थे और यहाँ पे हम पेज टाइटल को अभी पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने की मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे ना अगर हम कुछ और लिखते हैं, राइट, कुछ और लिखते हैं, देखिए ये कुछ बटन हिट मतलब कुछ आवाज़ दे रहा है, राइट, ध्यान से देखिए आवाज़ दे रहा है, मीन्स कि हम इसको पार कर चुके हैं, क्योंकि टाइटल के पिक्सल्स होता है और उसकी कैरेक्टर्स होती है, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से उन पिक्सल्स के हिसाब से हमारा टाइटल होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये आवाज़ देगा कि आपका सही चीज़ें नहीं बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा कम भी बनाते हो तो उस केस में भी थोड़ा सा सही नहीं है चीज़ें, तो इसलिए आपको ऐसे रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, बट जो चीज़ें मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ ये आपके आने वाले समय पर काम में आएगा। तो हमारा टाइटल ये बन चुका है, अगर हम इससे अधिक करते, राइट, यहाँ तक तो ठीक है, अब देखो ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हम जस्ट 2024 तक जा सकते हैं, अभी तक आवाज़ नहीं दे रहा है तो हम इसको ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइट के हिसाब से आप ऐसे रखते हो अपना टाइटल। तो अब ये टाइटल ना परफेक्ट वर्क करेगा भाई, देखो ये टाइटल अभी हमने कंट्रोल डी किया यार, तो पहले वाला टाइटल ही आ रहा है, मतलब दो बार हो चुका है, एक बार हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके, ठीक है, तो हमारा टाइटल हो चुका है। तो जो दो चीज़ें हमने बुकमार्क किए थे या शॉर्टकट बनाए थे उसका आपको काम समझ में आ गया है। और एक चीज़ है कि जो हमने यहाँ पे जैसे पैसे कैसे कमाए, राइट, पेटीएम से पैसे कैसे कमाए, मोबाइल से पैसे कैसे कमाए, गूगल पे से पैसे कैसे कमाए, अगर हम इस कीवर्ड पे पोस्ट लिख रही है ना तो कीवर्ड सरकार मेरे को और भी कीवर्ड की सजेशंस दे रही है, तो हम उस कीवर्ड को H2 H3 में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड सरकार की एक सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे पर पेज यहाँ पे 5 दिखा रहा है, आप उसको 20 कर देंगे तो 20 यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे फोन पे से पैसे कैसे कमाएं, मेरा कीवर्ड था फोन पे 1-7, राइट, बट यहाँ पे बता रहा है कि फोन पे से पैसे कैसे कमाएं, उसके ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेस है, यहाँ पे तो 480 का है, तो हम इसकी जो मतलब इसकी जो टाइटल है उसको चेंज कर देंगे थोड़ा सा। तो इस टाइटल को अगर हम डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करने के लिए जाए तो वो ऐसे प्रॉब्लम करता है, बट हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगा के रखा है कॉपी लिंक टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक टेस्ट करेंगे, तो हमारा लिंक की जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है। अब हम यहाँ से केस कन्वर्टर पे अगेन जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, आप देखो वही चीज़ आया है गैप देके। अब हम इसको टाइटल केस में लेंगे और इसको कॉपी करेंगे और अगेन हमारा जो पहला शब्द था उससे हम यहाँ से इसको थोड़ा डिफरेंस कर देंगे, फ़ोन से पैसे कैसे, अच्छा ये फ़ोन से पैसे कैसे कमाएं, चलिए गलत हो गया, बट जो भी चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था वो हो चुका है, बट हम इसको कंट्रोल जेड करके पहले वाले पे ला के खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो टूल्स नाम की जो ब्राउज़र था जिसको हम लोगों ने बनाए थे उसकी काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया है कि कैसे इसको यूज़ करना है। चारों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड किए थे, एक कीवर्ड सर्पर, एक पॉपी टेक्स्ट और दो हमने शॉर्टकट बनाए थे, चारों का काम आपको पता चल गया है। अब मेन काम यहाँ पर आता है कि भाई हमने यहाँ पर तो काफ़ी सारे ऐड किए, इसका क्या काम है। अब देखो, अब जो हमने स्पीच टू टेक्स्ट की बनाए थे उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे माइक्रोफोन की एक्सेस मांगेगा, माइक्रोफोन की एक्सेस हमने दे दिए, यहाँ पे लैंग्वेज कौन सा है वो बता रहा है कि इंग्लिश है,
अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे भाई हिंदी। सारे सारे लैंग्वेज है, हिंदी, बंगाली, जितने भी सारे लैंग्वेजेस है ना एग्जिस्ट करता है, ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे है। मेरे को हिंदी चाहिए तो हम यहाँ पे देखिए हिंदी सिलेक्ट किया है एंड अभी हम जाएंगे पोस्ट के अंदर और यहाँ पे जैसे सिलेक्ट क्लिक करेंगे ना तो हमारा यहाँ पे हिंदी हो जाना चाहिए था दोस्त, थोड़ा हम देख लेते। अब देखो हिंदी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन दिखा रहा था, मैंने दे दिया। अच्छा, इसको थोड़ा आप एक्सप्लोर करो तो ऑप्शन एरिया में जाके ना तो कुछ काफ़ी सारे शॉर्टकट्स आप लगा सकते हो, उन शॉर्टकट्स के जरिए जो है आप इसको और भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। और हाँ, ये सारा चीज़ आप हटा दीजिए क्योंकि जब आप हिंदी में कंटेंट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ करेक्शन वगैरह करते रहते तो उस केस में इशू क्रिएट कर सकता है, तो ये सारे के सारे चीज़ों को आप हटा दीजिए, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन को। ओके राइट नाउ, अब हम यहाँ पे देखो पोस्ट लिख रहे हैं कैसे। जस्ट हम इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, आज की इस आर्टिकल पर मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे कैसे फोन पे से पैसे कमा सकते हो। फोन पे एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ऑनलाइन किसी को भी पैसा भेजना या किसी से पैसा लेना बहुत आसान है। इस थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिएगा, अच्छा देखिए जो भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे पिक कर ले रहा है तो थोड़ा इसे क्रिएट करता है भाई, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मतलब कि मैं जो बता रहा हूँ वो पिक कर ले रहा है। तो इसका यही काम है, जो आप बताएंगे ना वो यहाँ पे पिक कर लेगा। जो आप टाइप करके यहाँ पे लिख रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नेक्स्ट पैरा में लिख रहे हैं कि फोन पे से, अब यहाँ पे गलती भी हो सकती है राइट, तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा फोन पे से पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पे जितना टाइम आपको लगा ये टाइप करने के लिए, उस टाइम पे तो आप दो लाइन और लिख देते, राइट। ध्यान से समझना मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। तो ऐसे मैं करता हूँ काम, और जो मैं बता रहा था कि मैं कैसे करता हूँ, कभी कभार बैठ के जब ना सिर दर्द वगैरह होता है तो मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा पैदल इधर उधर करता हूँ और मेरे दिमाग में जो आता है ना उसको हम थोड़ा जोर से बोलते रहते हैं और ये मेकैनिज्म जो है ना मेरा पिक करके यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब इंटायर लिख जाने के बाद मैं दोबारा उसका एक बार रिव्यू कर लेता हूँ ताकि कोई शब्द के अंदर जो है ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ना रह जाए, ठीक। तो इससे हमारा काम होता है। अब मान के चलिए कि हमने इसको फोन पे ऐसे लिख के रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिख रहे फोन पे से, तो फोन पे से हमने जब बोल रहा था ना पूरा का पूरा आर्टिकल के अंदर हमारा फोन पे वर्ड काफ़ी बार आया और मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई फोन पे शब्द को इन्होंने गलत तरीके से लिखा है। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया था, बाकी इन्होंने जो लिखा था वो तो सही है, पर मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल कि फोन पे शब्द को इन्होंने गलत तरीके से लिखे है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे इस शब्द को और जहाँ जहाँ ये गलत तरीके से लिखे है, जैसे हमने फोन पे मेरा ये ओरिजिनल शब्द ये होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस वाली जो क्रोम एक्सटेंशन है ना उसके अंदर, जो भी वर्ड हमारा गलत है जिसको फाइंड आउट करना है कि ये गलत है वो हम पहले डालेंगे, दूसरे बॉक्स में हम डालेंगे जो सही शब्द है उसको डालेंगे, ठीक है। अब इसको डालने के बाद आप एक बात देखिए, अच्छा सॉरी यार एक बात देखिए, तो ये थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा ये हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा मैं इसको ड्राफ्ट में सेव करके एक बार पेज को रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये पिक कर लेगा जितने भी सारे गलत शब्द हमने मतलब जिसको हमने आइडेंटिफाई करवाया है कि ये गलत शब्द है वो पिक कर लेगा, ठीक है। अरे यार बार बार यहीं पर क्लिक हो जा रहा है, देखो यहाँ पर हमने क्लिक किया, आप देखो बता रहा है कि फ़ोन पे जो है ना वो आपकी एक ही टाइम जो है गलत डाले हो इस शब्द को, तो ये रिप्लेस हो जाएगा फ़ोन पे से। जस्ट हम रिप्लेस ऑल के अंदर क्लिक करेंगे, दैट्स इट, फोन पे से ये रिप्लेस हो गया। तो ये एक्सटेंशन का काम आपने देख लिया है फाइंड एंड रिप्लेस का। अब हमने और भी एक एक्सटेंशन ऐड किए थे जो कि क्रोम नोट, इसका काम क्या होता है कि भाई हमारा टारगेटेड कीवर्ड है फ़ोन पे से पैसे कैसे कमाएं, राइट, इस बात का ध्यान में रखना। इसको हमने ना नोट में रख देते हैं कि ये बात भूल फिर के आना चाहिए, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है हिंदी में, ये भी थोड़ा थोड़ा घूम फिर के आना चाहिए, या हमने पहले SEO करके देख लिया है, सॉरी कीवर्ड रिसर्च करके देख लिया कि कौन कौन से कीवर्ड है जो हमारे इस एंटायर आर्टिकल के अंदर घूम फिर के आएगा या फिर उसको हम प्लेस करा सकते हैं, राइट। उस हिसाब से आप यहाँ पे नोट पे उस चीज़ को नोट करके रख सकते हैं, या कुछ भी नोट आपकी आर्टिकल्स रिगार्डिंग से आपकी कुछ भी नोट्स आपके दिमाग
आप जब काम कर रहे थे उस समय कुछ लिख के रखना चाहिए था, वो आप इस नोट्स पे फटाक से लिख के रख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नोट्स सेव ही रहेगा, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर दो तो ये सेव हो जाएगा। क्लास वाले आइकन के अंदर क्लिक करके आप नया नोट्स ले सकते हो। इस वाले आइकन के अंदर क्लिक करके आप हिस्ट्री को चेक कर सकते हो कि भाई देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो आप पहला पुराना चीज़ें आ चुका है, राइट। तो ऐसे हम जो है आर्टिकल राइट करते हैं और यही मेरा तरीका है। इन सारे क्रोम एक्सटेंशन को हम यूज़ करते हैं। हो सकते हैं कि इसके अलावा और भी कोई एडवांस क्रोम एक्सटेंशन आपके नज़र में आया है, नया आया है ना, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी ट्राई करूँगा उसको। अच्छा, यहाँ पे और भी एक चीज़ छूट गया है कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक बोनस टिप्स मैं आपको देके जाऊँगा। वो है कि मान के चलिए कि आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखना है, राइट, खुद के ब्लॉग के लिए हो या दूसरे के लिए हो, राइट, आपको इंग्लिश में कंटेंट लिखना है बट आप कंफर्टेबल हो आपके लोकल लैंग्वेज पे, राइट, चाहे वो मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आपने पूरा आर्टिकल लिखा, ठीक। पूरा आर्टिकल लिखने के बाद आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कहीं पर मेरा जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए। एंड उसके बाद आप क्या करोगे ना, पूरा एंटायर आर्टिकल को ना आप एक काम करो, इसको आप ऐसे करोगे नया टैब में प्रीव्यू करो, ठीक है। जो भी आर्टिकल मान के चलते कि हमने कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया है एंड उसके बाद उसको हमने प्रीव्यू लिया है, और प्रीव्यू लेने के बाद इसको जस्ट इस प्रकार से पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए, कुछ हद तक भी कॉपी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ना क्रोम, अभी का जो लेटेस्ट क्रोम है, वो आपको यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्शन टू इंग्लिश बता रहे ना कि जो आप सिलेक्ट किए हो उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करो। अब बता रहा है कि यहाँ पे देखो कि आइडेंटिफाई कर लिया है हिंदी वर्ड में लिखा है, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट होने जा रहे हैं। आप ट्रांसलेट फुल पेज यहाँ पे क्लिक कर दो एंड देखो मज़ा देखो। इन टूडेज आर्टिकल आई विल टेल यू हाउ यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द फोन पे वेल सिटिंग होम, ओके। तो ये पूर्ण स्टेप्स कैसा लगा वो भी आप जरूर बताएंगे। आप कहेंगे क्या यहाँ से कॉपी करना है और आपकी जो एंटायर आर्टिकल आपने लिखे थे उसको पूरा का पूरा उड़ा दीजिए, कोई इशू नहीं है, या फिर उसकी बैकअप आप रख सकते हो कहीं पर भी अगर कोई इशू होता है तो। जस्ट इसको बैकअप कर दीजिए, जस्ट हिट कीजिए और जैसे फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपका था, अगर आपने टेबल वगैरह भी बना के रखे थे ना तो उसका भी सेम फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज ही तो किया है यहीं से, राइट। हमारा टाइटल भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, अब टाइटल को भी आपको चेंज करना है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फोन पे, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम पे, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों शब्द एक ही था तो इसलिए यहाँ पे आ चुका है, बट आप टाइटल को भी यहीं से इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। आई होप कि एंटायर वीडियोस आपने बहुत एंजॉय किए, वीडियो अच्छे तो वीडियो को मतलब वीडियो अच्छी लगी तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और चैनल पसंद है तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिए, दोस्तों को सारे खुशियाँ बढ़ते रहिए, ओके बाय।